सबसे पहले तो उस महाराज की कथा को सुनने से पहले अपने हृदय को, अपने दिल को उस महाराज के योग्य बनाना पड़ता है। क्योंकि जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो उस पर फसल भी नहीं उगेगी। पहले भूमि का उपजाऊ होना आवश्यक है। और जब भूमि उपजाऊ होती है और उसमें बीज डाला जाता है तब वो एक पौधे के रूप में, एक वृक्ष के रूप में प्रकट होता है और तब उससे फल आता है। बंजर भूमि पर पौधे नहीं लगते, फल नहीं लगते। जब तक हमारा हृदय भी एक बंजर भूमि की तरह है तब तक इसमें कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो भूमि उपजाऊ कैसे हो? हृदय प्रेम के योग्य कैसे हो? तो कहा, जैसे एक प्यासा पानी पीने के लिए हाथ फैलाता है प्याऊ में और ऊपर बैठा एक व्यक्ति उसे जल पानी पिला के उसकी तृप्ति करता है, उसी प्रकार एक जिज्ञासु जब किसी संत के या अपने सदगुरु के चरणों में बैठ करके प्रेम की मांग करता है तब गुरु अपने मुख से जो गंगा बहाते हैं और वो कान के द्वारा जो हमारे हृदय में प्रवेश करती है वही हमारे दिल में प्रेम को प्रकट करती है। किसी संत महापुरुष के मुख से निकला हुआ एक वचन ही जीवन में भक्ति की, प्रेम की अनुभूति करा सकता है। अब कोई किसी स्थान के बारे में बात करे, उदाहरण के लिए कोई अमेरिका के बारे में बात करे, जो वहां गया नहीं है लेकिन उसने सुना है ऐसा ऐसा होता है, ऐसी सड़कें होती है, ऐसे घर होते हैं। आपको कोई अमेरिका के बारे में बताए तो आप एक कल्पना करोगे, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। सुनकर के जितनी आपकी कल्पना जा सकती उतना ही जा सकते हैं। लेकिन वही जो व्यक्ति वहां गया है, वहां जा चुका है, उस व्यक्ति के सामने आप अमेरिका की चर्चा करो तो उसको सारी बातें एकदम दिमाग में आ जाएंगी कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि वो देख चुका है। भगवत भक्ति, भगवत प्रेम का भी यही हाल है।